तो दोस्तों आजकल रोड के ऊपर गायें जो हैं वो इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि ड्राइवरों को गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया है। और यहाँ पर भी कुछ ये सीन जो आपको दिखाई दे रहा है ये गाय की वजह से हुआ है, यानी कि रोड पर गाय माता भागी और ड्राइवर साहब अपना संतुलन खो बैठे और गाड़ी जो थी वो यहाँ दलदल में आकर के फंस चुकी है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अभी आपको दिखाएंगे कि ये गाड़ी बाहर कैसे निकलती है और एक क्रेन ने जो है कितनी मशक्क़त करी तब ये गाड़ी जो है बाहर आ पाई। और ड्राइवर साहब इतने ज़्यादा हिम्मती हैं कि ये कंटेनर बस ऐसा ही लग रहा था कि अब पलटा अब पलटा अब पलटा, और फिर भी जो उसके सरदार जी ड्राइवर हैं वो इसमें डटे बैठे रहे और हटे नहीं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, अभी आपको दिखाएंगे कि ये गाड़ी बाहर कैसे निकली है और कितनी जुगाड़ के बाद बाहर निकली है। अब यहाँ पर ये क्रेन जो है इसको खींच रही है, तो ये गाड़ी जो है एक साइड झुकती चली जा रही है। तो जब गाड़ी इतना ज़्यादा झुक रही है तो इसको जो है बड़ा जुगाड़ से निकालना पड़ेगा, नहीं तो गाड़ी जो है वो गिर जाएगी। तो यहाँ पर ये क्रेन वाले भी हैं देखिए, जो कि ड्राइवर साहब को डायरेक्शन दे रहे हैं कि भैया स्टीयरिंग जो है ना काटो अपना। तो हालांकि हमारे यहाँ के ये क्रेन वाले हैं और ये यादव जी नहीं है, दूसरे क्रेन वाले हैं, वो निकाल रहे हैं इस गाड़ी को, क्योंकि जब हम यहाँ पहुँचे तो ये पहले से ही आ चुके थे और गाड़ी को निकाल लेते। तो देखिए उस साइड क्रेन वाले खड़े हुए हैं और देख रहे हैं कि गाड़ी जो है वो गिर ना जाए, और अगर गिरती है तो फिर और ज़्यादा नुकसान होगा। तो यहाँ पर जो है अभी इसको ऊपर उठा करके पीछे का हिस्सा वो बाहर रखा जाएगा, उसके बाद ये गाड़ी जो है बाहर निकल पाएगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा अगर, तो देखेंगे तभी ये आप देख पाएंगे कि ये गाड़ी जो है बाहर कैसे आई है। और देखिए कि कितने दलदल में फंसी हुई है। और सरदार जी से जब हमने पूछा कि सरदार जी आपकी गाड़ी ये नीचे कैसे उतर गई, तो उन्होंने बताया कि भाई गाय जो है वो बहुत ज़्यादा रोड पर घूम रही हैं और उसको बचाने के चक्कर में गाड़ी जो थी डिसबैलेंस हो गई और यहाँ पे आकर के घुस गई। लेकिन इसकी इनकी किस्मत इसलिए तेज है कि गाड़ी पलटी नहीं, पलटती तो और ज़्यादा नुकसान होता। तो ये पेड़ है देखिए, इस पेड़ की आड़ में जो है गाड़ी रुकी हुई है, ये मैं आपको लेफ़्ट साइड से दिखा रहा हूँ। ये देखिए पेड़ पे पूरी गाड़ी रुकी हुई है और काफ़ी सहारा इस पेड़ का इस गाड़ी को मिला, वरना गाड़ी जो थी गिर सकती थी, क्योंकि नीचे बहुत दलदल है और गाड़ी जो है बैठती चली जा रही है। अच्छा, ज़्यादा इसलिए नहीं बैठी कि गाड़ी जो है खाली है, लोड नहीं है, और अगर लोड होती तो एक क्रेन जो है इसको खींच भी नहीं पाती और गाड़ी जो थी बैठती और पलट जाती। तो देखिए कितनी बुरी तरीके से अगले टायर जो हैं वो दलदल के अंदर फंसे हुए हैं। तो यहाँ पर अब क्रेन जो है इसको ऊपर उठाएगी, देखिए ऊपर उठा करके, और फिर जो है थोड़ा सा इसको रोड पर रखेगी ला करके, फिर खींचते हैं ताकि गाड़ी जो है वो बैठे ना ज़मीन के अंदर और आराम से बाहर निकल आए। देखिए तो यहाँ पे गाड़ी जो है उठने लगी है, तो देखिए गाड़ी उठ गई है, उठ करके अब बाहर निकलने लगी है। और ऐसे गाड़ी उठाने में जो है गाड़ी में भी नुकसान हो जाता है कई बार, लेकिन बहुत हिसाब से उठाया जा रहा है ताकि कोई गाड़ी में भी नुकसान ना हो। तो देखिए थोड़ा सा अब जो गाड़ी रोड की तरफ आ गई है उठाने की वजह से, ये देखिए तो उठा करके अब इस पेड़ नीचे रख दिया है, और फिर जो है इसको पीछे की तरफ जो है क्रेन दोबारा खींचेगी, तब ये गाड़ी जो है बाहर आ पाएगी। तो काफ़ी टाइम लग गया था यहाँ पर और वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था, तो काफ़ी काट पीट के और काफ़ी थोड़ा स्पीड में चला करके मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबा ना हो। और देखिए सरदार जी बेचारे अकेले डटे हुए हैं और बहुत ही हिम्मती हैं कि गाड़ी जो थी, लोग बस इसी इंतज़ार में थे कि अब गिरी, लेकिन फिर भी सरदार जी डटे बैठे रहे। और कोई नया ड्राइवर होता तो हो सकता है वो उतर के बैठ जाता, कहता भैया गाड़ी पलट जाएगी, मैं अभी बैठूँगा इसके अंदर, लेकिन सरदार जी डटे हुए हैं और अब गाड़ी जो सीधी हो गई है। देखिए धीरे धीरे क्रेन इसको खींच रही है बाहर, और अब उम्मीद है कि आसानी से गाड़ी जो है वो बाहर आ जाएगी। तो अभी ये भी देखना है कि बाहर आने के बाद गाड़ी की हालत क्या, वो देखिए साइड का शीशा टूट गया गाड़ी का, कंडक्टर साइड का, वो देखिए पेड़ में टकरा करके शीशा टूट गया है, जिससे पीछे देखते हैं वो वाला शीशा जो है वो टूट गया।
तो यही होता है जब गाड़ी बाहर निकलती है कहीं फंस जाती है तो छोटे मोटे कई एक नुकसान हो जाते हैं। और यहाँ पर सरदार जी जो है अभी अपना जोर लगाएंगे, यानी कि गाड़ी का जोर लगाएंगे, तो भी टायर आप देखिएगा कि किस तरीके से जो है स्लिप मारते हैं। तो हमने कहा भी सरदार जी थोड़ा आप भी जोर लगाओ, थोड़ा क्रेन जोर लगाएगी तब गाड़ी जो है निकल जाएगी। तो देखिए अगला टायर जो है वो घूम नहीं रहा है, ऐसे ही फिसलता हुआ जा रहा है। तो देखिए सरदार जी भी थोड़ा सा जोर लगाएंगे अभी, खिड़की बंद कर ली इन्होंने, और पीछे वाले टायर से देखिए अभी जोर लगाया जाएगा। तो इस अगले टायर के अंदर जो है बहुत ज़्यादा मट्टी घुस चुकी है, इसलिए स्टेयरिंग में जो है सही से घूम नहीं पा रहा है। देखिए कितनी मट्टी भरी पड़ी है और क्रेन इसको कहाँ से कहाँ खींच के लाई है। देखिए गाड़ी वो वहाँ पे भी आगे गई थी और धीरे 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 करके इसको तिरछा करके जो है निकाल लिया जा रहा है। देखिए सरदार जी जोर लगा रहे हैं, देखिए टायर घूम रहा है, एक ही जगह पर नाच रहा है टायर, लेकिन गाड़ी जो है वो खुद से बाहर नहीं निकल पाएगी क्योंकि अगला पहिया जो है वो अभी भी ज़मीन के अंदर धंसा हुआ है इस वजह से। तो देखिए अब जो है धीरे धीरे गाड़ी लमसम बाहर आ ही चुकी है और उसके बाद इसकी क्या हालत होती है वो भी आपको अभी दिखाएंगे। देखिए मट्टी देखिए कितनी भरी हुई है नीचे। अच्छा, और अभी अच्छा। जब ये बाहर आएगी तो आप देखिएगा रोड पर पूरी मट्टी मट्टी हो जाएगी क्योंकि दलदल के अंदर फंस गई थी गाड़ी। तो चलिए बाहर आ गई है गाड़ी अब आराम से। बस हो गया काम। तो यहाँ पर गाड़ी जो है पूरी बाहर आ चुकी है और देखिए कितनी मट्टी जो है वो बाहर निकल के आई है रोड के ऊपर, और देखिए कितना गहरा दलदल था और मट्टी चिकनी मिट्टी के अंदर ये गाड़ी फंस गई थी। तो यहाँ से चिकनी मिट्टी के अंदर गाड़ी जब जाती है तो बाहर निकलने का सवाल ही नहीं होता है। देखिए कितना दलदल था और किस्मत इनकी तेज़ थी कि गाड़ी जो थी वो पलटी हुई थी। देखिए टायरों की क्या हालत हो गई है, अगले टायरों की देखिए क्या हालत हुई है। देखिए अब ये इनको गाड़ी जो है पूरी धुलवानी पड़ेगी तब जा कर के ये गाड़ी जो है साफ़ हो पाएगी। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, और कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। हम मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई गाड़ी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।